नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सब बच्चों आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे तो बच्चों आज का पाठ है हमारा उद्योग ये कक्षा आठ का भूगोल की पुस्तक का पाठ है तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे उद्योग क्या होता है बच्चों उद्योग बच्चों आप सबको पता होगा कि जो भी कच्चा माल होता है उसको उद्योगों में भेजा जाता है और वहाँ से जब वो तैयार होकर आता है उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो अधिक मूल्य में वो बिकता है तो बच्चों आज हम यही जानेंगे कि कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित उद्योगों में कैसे किया जाता है और उद्योगों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि उद्योग कितने प्रकार में विभाजित किए गए हैं और उसके साथ ही हम उद्योगों की अवस्थिति के कारकों को भी जानेंगे और बच्चों आपको पता होगा हमारे भारत में भी और हमारे पूरे विश्व में भी कई औद्योगिक प्रदेश हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं हम आज के पाठ में उनको भी जानने का प्रयत्न करेंगे तो आओ बच्चों हम आज का पाठ शुरू करें बच्चों क्या आपने कभी ये विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वे विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है उसे काटा जाता है और लुगदी मिल तक ले जाया जाता है वहाँ वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठलुग्धि में परिवर्तित किया जाता है काष्ठलुग्धि को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज़ के रूप में परिवर्तित किया जाता है ये कागज़ प्रेस में जाता है जहाँ रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है इसके उपरांत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांध कर व पैक करके बिक्री के लिए बाज़ार भेज दिया जाता है अंत में ये आपके हाथों में पहुंचती है तो बच्चों कागज़ किस प्रकार बनता है या अभ्यास पुस्तिका कैसे बनती है ये मैंने आपको बता दिया अब हम पढ़ेंगे विनिर्माण निर्माण या द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं बच्चों आपने पिछले अध्याय में प्राथमिक क्रियाकलाप पढ़ा जिसमें आपने देखा कृषि वानिकी मत्स्य पालन आता है वैसे ही द्वित्तीय क्रियाकलाप को हम विनिर्माण भी कहते हैं और इसमें आते हैं हमारे उद्योग तो विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है जैसा कि आपने देखा लुगदी कागज़ के रूप में और कागज़ अभ्यास पुस्तिका के रूप में ये विनिर्माण प्रक्रिया के दो चरणों को प्रदर्शित करते हैं बच्चों उद्योग क्या होता है उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित हैं इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है तो आओ बच्चों हम उद्योगों का वर्गीकरण जानें बच्चों उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है सबसे पहले कच्चा माल कच्चे माल के उपयोग के आधार पर to to <links inside depression> उद्योग कृषि आधारित आधारित खनिज समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि आधारित उद्योगों की कृषि <ánlcaisu> आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादकों का उपयोग करते हैं खाद्य संसाधन वनस्पति तेल सूती वस्त्र उत्पाद और चर्म। उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। दूसरा आता है खनिज आधारित उद्योग खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं अस्क से निर्मित लोह खनिज आधारित उद्योगों का उत्पाद है ये कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं जैसे भारी मशीनों भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में तीसरा है हमारा समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं चौथा है हमारा वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं लुगदी एवं कागज़ उद्योग औषध रसायन फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं तो बच्चों ये थे हमारे कच्चे माल के आधार पर आधारित उद्योग अब हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है जैसे टोकरी बुनाई मिट्टी के बर्तन या अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है रेशम बुनाई और खाद्य प्रकरण उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं आप चित्र पाँच पॉइंट एक देखें इसमें मखाने के खाद्य प्रकरण की अवस्थाएं दिखाई गई हैं तो ये भी आपका छोटे पैमाने का उद्योग है ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों के अंतर्गत आते हैं अब है हमारा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण इसमें उद्योगों को हमने निजी क्षेत्र राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया है निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है चौथा है हमारा सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जिसे हम आमूल कहते हैं एवं सुधा डेयरी ये दोनों ही सहकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्तम उदाहरण हैं तो बच्चों आपने उद्योगों का वर्गीकरण जान लिया होगा अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे उप की ये है हमारा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों जब आप कहीं उद्योग खोलना चाहोगे तो आप सबसे पहले इन्हीं कारकों को देखोगे जैसे मान लो कि आप सब उद्योगपति हो और अब आपको उद्योग खोलना है तो आप कहाँ उद्योग खोलोगे बच्चों तो सबसे पहले आपने यही कारक ध्यान में रखने हैं इस चित्र को देखो चित्र पाँच पॉइंट तीन इसमें आपको उद्योग दिख रहा है बीच में और उसके किनारे किनारे उसके सारे कारक लिखे गए हैं तो आप सबसे ऊपर देखें कच्चा माल इस तरफ है श्रम पूंजी बाजार जल और उसके दूसरी तरफ है विद्युत भूमि परिवहन संचार ये सब उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक हैं जैसे अगर आप उद्योग खोलना चाहोगे तो सबसे पहले आप देखोगे वहाँ कच्चा माल कितना है कितनी दूर से लाना पड़ेगा या नज़दीक से लाना पड़ेगा दूसरा श्रम कि वहाँ पे श्रमिक मिलेंगे हमें और वो भी कैसे श्रमिक सस्ते श्रमिक उसके बाद पूंजी जब उद्योग खोलना होगा तो पूंजी भी चाहिए पूंजी कहाँ से मिलती है बच्चों वो मिलती है हमें बैंक से चाहे वो लोन लेके हम बैंक से ले सकते हैं तो आसपास पूंजी की भी व्यवस्था होनी चाहिए फिर है बाज़ार बच्चों जब आप कोई सामान तैयार करते हो तो बाजार भी आसपास ही चाहिए ताकि आपकी आने जाने की लागत कम लगे तो जब उद्योगों में सामान बनेगा तो आसपास बाज़ार नज़दीक ही होने चाहिए ताकि आपका जो भी सामान तैयार हुआ है वो जल्दी बिक जाए उसके बाद है जल क्योंकि उद्योगों में पानी की बहुत ज़रूरत होती है चाहे बिजली उत्पादन करनी हो या मशीनों को ठंडा करना हो या कपड़ों को रंगे हुए कपड़ों को धोना हो तो जल की आवश्यकता भी होती है इसीलिए उद्योगों को हमेशा जल के निकट ही खोला जाता है अगला है विद्युत जैसे मैंने आपको बताया कि बिजली की सुविधा होनी चाहिए अगर आसपास बिजली की सुविधा नहीं है तो हम वहाँ उद्योग नहीं खोल सकते भूमि क्योंकि हमें उद्योग कहाँ खोलना है बच्चों ज़मीन के ऊपर तो हमें ज़मीन भी मिलनी चाहिए और वो भी सस्ती ज़मीन उसके बाद है परिवहन जहाँ आप उद्योग खोलते हैं क्या वहाँ पर सड़क मार्ग रेल मार्ग और समुद्री पतन का आना जाना है ये भी हम ध्यान में रखकर उद्योग को स्थापित करते हैं और अंतिम है संचार क्योंकि जब आप किसी से लेन देन करोगे तो उसके लिए आपको संचार की सुविधा होनी चाहिए ताकि आप उससे टेलीफोन कर सको या उसे फैक्स कर सको या ऑनलाइन बैंकिंग कर सको तो इसीलिए हमें इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही उद्योग को स्थापित करना चाहिए आइए बच्चों हमारा अगला विषय है औद्योगिक तंत्र औद्योगिक तंत्र क्या होता है बच्चों ध्यान से सुनिए औद्योगिक तंत्र में निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं निवेश में कच्चे माल श्रम और भूमि की लागत जल की उपलब्धता परिवहन विद्युत और अन्य अवसंरचना शामिल है प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं और निर्गत में निर्गत अंतिम उत्पाद है इससे अर्जित आय है सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास मानव श्रम कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं प्रक्रमों में ओटाई कटाई बुनाई रंगाई और छपाई शामिल है कमीज जिसे आप पहनते हैं वे उत्पादन है तो बच्चों औद्योगिक तंत्र के तीन भाग होते हैं जिसमें निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है आइए बच्चों हम आगे बढ़ें अगला उपविषय है हमारा औद्योगिक प्रदेश औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका पश्चिमी और मध्य यूरोप पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशता शीतोषण कटिबंधित क्षेत्रों समुद्री पत्नों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्र के निकट स्थित होते हैं भारत के अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं जैसे मुंबई पुणे समूह बंगलौर, तमिलनाडु प्रदेश हुगली प्रदेश अहमदाबाद बड़ौदरा प्रदेश छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोलम त्रिवंतपुरम औद्योगिक प्रदेश आइए बच्चों चित्र पाँच पॉइंट चार देखे देखो बच्चों ये विश्व का मानचित्र है इसमें आपको दो रंग दिख रहे हैं एक है विश्व की औद्योगिक पट्टी और दूसरा है औद्योगिक प्रदेश तो आप देख सकते हो इस मानचित्र पर कि कहाँ कहाँ पर औद्योगिक पट्टी है और कहाँ कहाँ पर औद्योगिक प्रदेश है अगर हम बात भारत की करें तो बच्चों आप देख सकते हो कि गंगा नदी के किनारे हमारे भारत के औद्योगिक प्रदेश हैं और थोड़े से आपको मुंबई के आसपास भी दिखाई दे रहे हैं और चेन्नई में भी है और औद्योगिक पट्टी ये आपको यूरोप एशिया और उत्तरी अमेरिका में भी दिखाई दे रही है उसके अलावा विश्व के अलग अलग औद्योगिक प्रदेश आपको इस मानचित्र पर दिख रहे हैं बच्चों अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाली हूँ उद्योग तो वैसे अच्छे होते हैं पर क्या आपको पता है उद्योगों की वजह से भी विपदा या दुर्घटना होती है मैं आपको एक दुर्घटना बताती हूं जो कई सालों पहले भारत में ही हुई थी बच्चों ध्यान से सुनो उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग ये एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइट तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट एम आई सी गैस का रिसाव हुआ था उन्नीस में सरकारी सूचना के अनुसार पैंतीस व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या अधिक बीमारियों जैसे अंधापन प्रतिरक्षा तंत्र विकृति आंतरशोध विकृतियों आदि से पीड़ित हैं तो बच्चों 23 दिसंबर 2005 में चीन के गाओ कायो के चोंगिंग में गैस कुप विस्फोट से दो सौ लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों से चौंसठ हजार लोगों को विस्थापित किया गया था कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे तो बच्चों देखा उद्योगों से अगर हमें लाभ है तो उससे हमें हानियां भी बहुत हैं आइए बच्चों हम बात करते हैं कुछ प्रमुख उद्योगों का वितरण बच्चों क्या आप जानते हो उभरते हुए उद्योग या सनराइज उद्योग कौन से उद्योग होते हैं तो इसमें आते हैं हमारे सूचना प्रौद्योगिकी की, की स्वास्थ्य लाभ सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग ये हमारे उभरते हुए उद्योग हैं अब हम बात करते हैं कि विश्व में कौन से उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोहा इस्पात उद्योग सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है जिसे मैंने आपको अभी बताया सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है आइए बच्चों उन देशों के बारे में जानें जहां लोह इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जैसे जर्मनी संयुक्त राज्य अमेरिका चीन जापान और रूस वस्त्र उद्योग भारत हांगकांग, दक्षिणी कोरिया जापान और ताइवान में सकेंद्रित हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बंगलुरु प्रदेश में है तो बच्चों हम पहले बात करेंगे लोह इस्पात उद्योग की बच्चों अन्य उद्योगों की तरह लो इस्पात उद्योग भी बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है ये एक पोषक उद्योग है जिसमें उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं उद्योगों के लिए निवेश में श्रम पूंजी स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लो अयस्क कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित लोह अस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां ये प्रगलित होता है बच्चों चित्र पाँच पॉइंट छः देखें इसमें आपको झोंका भट्टी में लोह अस्क से इस्पात तक बनने की प्रक्रिया दिखाई गई है आप देख सकते हैं ऊपर से लो अस्क चूना पत्थर और कोक डाला जा रहा है नीचे झोंका भट्टी है और उसके ठीक नीचे आप देख सकते हो गर्म वायु को छोड़ा जा रहा है अंदर की तरफ और अंदर जो है ये गर्म हवा झोंका पट्टी में जाकर लोहे को प्रगलित कर रही है ये प्रगलित क्या होता है बच्चों यानी कि पिघला रही है उसको गला रही है बच्चों आपको पता है प्रगलन क्या होता है आओ मैं आपको प्रगलन के बारे में बताऊं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है तो जब ये गर्म वायु झोंका पट्टी में जाती है तब ये अयस्क चूना पत्थर और कोक को पिघलाती है और पिघलाने के बाद उसका जो प्रगलित लोहा है उसे अलग कर देती है और जो धातुमल है उसे अलग कर देती है इस तरह से शुद्ध लोहा अलग हो जाता है और धातुमल अलग हो जाता है इसके बाद ये परिशोधित होता है प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से तार बनाए जा सकते हैं एलूमीनियम निकल तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात से मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती है मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बनी होती हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बनी होती हैं जैसे पोत रेलगाड़ी ट्रक ऑटो सेफ्टी पिन सुइयाँ ये सब इस्पात से बनी होती हैं कूप कि जो मशीनें होती हैं जिनसे तेलकूपों को बेधा जाता है वो भी इस पात से बनी होती हैं खनिजों का खनन भी इस पात के उपकरणों से ही होता है कृषि के यंत्र भी इस पात के बने होते हैं विशाल भवनों का ढांचा भी इस पात का बनाया जाता है आइए बच्चों मैं तुम एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं। इस चित्र को देखो चित्र पाँच पॉइंट सात लोह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति यहाँ पर दर्शाई गई है आप देख सकते हो नंबर एक पर 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति को दर्शाया गया है इसका मतलब बच्चों 1800 से पहले इस्पात उद्योग कहाँ स्थित होते थे जहाँ कच्चा माल विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होता था बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों तथा रेलवे के निकट होने लगी इसे आप देख सकते हो नंबर दो पे 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होना शुरू हुआ इसे आप नंबर तीन पे देख सकते हो तो बच्चों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लोह विदेशों से आयात करना पड़ता था भारत में लोह इस्पात उद्योग कच्चा माल सस्ते श्रमिक परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई दुर्गापुर बरनपुर जमशेदपुर राहुल केला बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो चार राज्यों में फैले हैं वे चार राज्य हैं पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में सेलम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं भारत का इस्पात उत्पादन 1947 में 10 लाख टन से बढ़कर 2002 में 3 करोड़ टन हो गया तो बच्चों अब जरा हम इस चित्र 5.8 के मानचित्र को देखें यहाँ पर आपको प्रमुख लोह इस्पात उत्पादन के क्षेत्र दर्शाए गए हैं भारत में आपको यहाँ पे छोटा नागपुर पठार का क्षेत्र दिख रहा है जहाँ पर हमारे सारे महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं वहीं अगर आप पूरे विश्व को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में लो इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका ब्राज़ील इसमें हमें एक ही क्षेत्र दिख रहा है वहीं हमको उत्तरी अमेरिका में तीन चार दिख रहे हैं जो तीन तो इकट्ठे हैं और तीन चार आसपास फैले हुए हैं वहीं यूरोप में भी हमें काफ़ी दिख रहे हैं जापान में भी एक है चीन में भी दो तीन है एक रूस में भी है तो कहने का तात्पर्य है बच्चों कि लो इस्पात उत्पादन का क्षेत्र पूरे विश्व में है आइए बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। तो बच्चों पहला प्रश्न है उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है सही उत्तर है उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है अगला प्रश्न वे कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं हाँ बच्चों कोशिश करो सब सही उत्तर है कच्चा माल श्रम पूंजी, बाजार जल विद्युत भूमि परिवहन संचार अगला प्रश्न बच्चों कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है सही उत्तर है इस्पात उद्योग क्यों कहा जाता है क्योंकि सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं अगला प्रश्न भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी विकल्प है दिसंबर उन्नीस जून उन्नीस सितंबर चौरासी उन्नीस या जुलाई उन्नीस सही उत्तर है दिसंबर उन्नीस अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किन उद्योगों को सनराइज उद्योग कहा जाता है ऑप्शन है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग शिक्षा से संबंधित उद्योग चिकित्सा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग तो सही उत्तर है आपका पहला दूसरा और तीसरा सूचना प्रौद्योगिक उद्योग शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग अगला प्रश्न लोह इस्पात उद्योगों में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयुक्त होता है पहला ऑप्शन स्क दूसरा कोयला तीसरा चूना पत्थर चौथा बॉक्साइड सही उत्तर है एक दो तीन लो अस्क कोयला चूना पत्थर तो बच्चों बहुत अच्छा उत्तर दिया आप लोगों ने अपने अपने लिए सब बच्चे तालियां बजाएं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको आज का पाठ समझ आया होगा हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी हम पूरी कोशिश करते रहेंगे आपके लिए ऐसी वीडियो लाने की और आपके विद्या को सरल बनाने की स्वस्थ रहें बच्चों सुरक्षित रहें धन्यवाद